तुम अपनी जनता को लुटवा रहे हो, तो इसलिए अमेरिका और तुम में फर्क है। अमेरिका का नाम मत लो भाई, तुम तो अपनी जनता को लुटवाने वाले लोग हो, और अमेरिका अपनी जनता के लिए लूट के लाता है भारत। गवाह है कि जो जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है दुनिया के अंदर, बड़े बड़े जो राजशाही को उखाड़ फेंका है, वो गरीब जनता ने, जिनके पेट में रोटी नहीं थी, शरीर पे कपड़ा नहीं था, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उस आवाम ने जब वो भूखे हुए और जब उनको समझ आई, उन्होंने उखाड़ फेंके। नेतृत्व विहीन क्रांति है, नेतृत्वकारी नहीं है, विचारधारा नहीं है उसमें। डॉलर बढ़ेगा, रुपया गिरेगा, उतना ही हमारा विदेशी भंडार खत्म होगा। दूसरी तरफ विदेशी भंडार कहाँ से आता है? ये नीतियाँ तो पुरानी चलती आती है ना। आप अपनी एग्रीकल्चर को बर्बाद करोगे, आप अपने टूरिज्म को बर्बाद करोगे, अपने देश में जो भाईचारा उसको खत्म करके आप सिंगली राष्ट्र बनाओगे, आप बुद्धिस्टों को मुसलमानों से, मुस्लिमों को क्रिश्चियनों से, क्रिश्चियनों को दूसरों से लड़वाओगे और अव्यवस्था फैलाओगे, तो विदेशी कैसे आएंगे? देखिए, जो सरकारों की नीतियाँ थी, मेरे को एक कमेंट्स आया था कि भाई श्रीलंका जल रहा है, तो मैंने कहा कि वो श्रीलंका जो रावण का लंका था वो नहीं जल रहा है, ये विभीषण की लंका जल रही है, जो विभीषण वहाँ पर बैठ गया था हजारों वर्ष पहले। तो आज जो ये विभीषण, क्योंकि जो रावण की लंका थी वो समाजवादी लंका थी, जिसमें हर जो मजदूर से लेके जो वहाँ के नागरिक थे वो तमाम आर्थिक रूप से संपन्न थे, सबको बराबरी का अधिकार था। और ये जो विभीषण की लंका है, विभीषण की लंका में जो वहाँ पर धर्मों के हिसाब से भेदभाव है, वहाँ पर आर्थिक भेदभाव है, और जो यहाँ भारत में हो रहा वही वहां पे हुआ। सिंगली राज वो बनाना चाहते थे, वो कभी बुद्धिस्टों के खिलाफ लड़वा रहे हैं, कभी बुद्धिस्टों को मुस्लिमों के खिलाफ लड़वा रहे हैं, कभी वहाँ पर वो तीसरी सिंगली जाति है वो आपस में लड़वा रहे हैं, कभी तमिल लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर इसी तरह जो आज भारत में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, या कभी क्रिश्चियनों के खिलाफ हो रहा है, कभी किसी के खिलाफ हो रहा है। जब हमारा भारत का संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष कहता है, हमारा भारत का संविधान की प्रेम्बल कहता है, पहली लाइन कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एक एक नागरिक इस देश का नागरिक है और सब हम भारतीय हैं, भारत के लोग हैं। तो भाई आप ये हिंदू और मुस्लिम, ये फलाना, ये ढिकड़ा आप क्यों कर रहे हो? और आज आपको ये बड़ी दुख की बात है कि आज जो भारत का जो रुपया है डॉलर के मुकाबले 80 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया है, जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। यही वहां पर हुआ, यही श्रीलंका में हुआ। लेकिन श्रीलंका में एक बात ये थी कि उन्होंने जो एग्रीकल्चर के साथ छेड़छाड़ की, जिस तरह से ये कर रहे थे, अगर किसान, इस देश के किसान नहीं लड़ते, महान किसान, अगर वो शहादत दे करके तीनों काले बिन अगर वापस नहीं करवाते, तो इस देश में भी तुरंत अभी के तुरंत के तुरंत आपातकाल, जो कि एग्रीकल्चर आपातकाल हो जाता, क्योंकि कंपनियाँ वो ज़मीनें ले लेती हैं और जो फसल से उनको बेनिफिट होता, रेशम से या दूसरी चीज़ से, वही बुवाते, वो गेहूँ या चावल क्यों बुआएंगे जिनसे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है? तो वो किसान उन्होंने वापस करके कर लिया। लेकिन श्रीलंका ने, उसने कहा जी हम जो खेती है वो वाली खेती जो कौन सी होती है, जैविक खेती करवाएंगे, ये खेती नहीं करनी है, तो जैविक खेती फेल हो गई, वहाँ पर खाने के लाले पड़ गए। आज वहाँ पर दूध जो है वो 500 रुपये, 1600 रुपये, 1200 रुपये लीटर मिल रहा है, पेट्रोल जो है 400-500 रुपये लीटर मिल रहा है, वहाँ पर आलू जो है 400 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो भारत में अभी तो ये हमारे आटे दाल चावल हैं, ये भी आज कल मुझे पता चला, मैंने अपनी लाइफ में कभी, मेरी वाइफ खरीदती है, कल वो बता रही थी कि जो 18-19 रुपये किलो आटा मिलता था वो आज की तारीख में 35 रुपये किलो हो गया है। तो इसका मतलब हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और इनके पास सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारी GDP का, जो जैसे वहाँ पर हुआ श्रीलंका में, जो GDP का जो सकल घरेलू उत्पाद होते हैं उसकी जो वैल्यू का 50% से ज़्यादा विदेशी कर्ज हो गया, जिसकी वजह से कर्जा नहीं दे पाए। वही हालत देश के होने वाले हैं, जब हमारा रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कर्जा बढ़ रहा है, हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है, उसका ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है, बेरोजगारी बड़ी भयंकर तरीके से बढ़ रही है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे जो हमारे अपने उद्योग थे वो ख़त्म हो रहे हैं, और विदेशी उद्योग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि भारत में शांति नहीं है। यहाँ पर कोई भी आएगा पैसा लगाने तो उसको तो शांति चाहिए ना, जिससे कि अपने आराम से वो अपना सामान बेच सके। जब यहाँ अशांति है, आए दिन हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं, कभी कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कभी किसी की मस्जिद में जा करके वो कर रहे हैं, किसी के घरों में खड़े, कभी बुरके की आप बातें करते हो, इस देश में शांति कहाँ है?
कोई व्यापारी अपना पैसा क्यों लगाएगा, विदेशी क्यों लगाएगा? जब कोई पैसा नहीं आएगा विदेशी, तो यहाँ पर आपको रोजगार कैसे मिलेंगे, धन कैसे आएगा सरकारी खजाने में, विदेशी पैसा कैसे आएगा? टूरिज्म एक तो पहले तो हमारा वैसे ही ख़त्म था, जो टूरिज्म की वजह से श्रीलंका की कमर टूटी, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी थी, क्योंकि इससे इसकी वजह से जो कोरोना की वजह से वो वहाँ ख़त्म हो गया। और दूसरा दो कारण है, एक कारण नहीं बता रहा मीडिया, एक कारण तो कोरोना था, दूसरा कारण वहाँ पर जो दंगे आए दिन आ रहे थे, कभी 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 बुद्ध और वो लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन लड़ रहे हैं, कभी बुद्ध क्रिश्चियन और वो मुस्लिम लड़ रहे हैं, कभी सिंगली तमिल, ये सब लड़ रहे हैं मिलकर के। और वहाँ भी नारा दे दिया गया कि सिंगली राष्ट्र, जैसे यहाँ हिंदू राष्ट्र का नारा दे दिया गया। भाई ये राष्ट्र बुरा लग रहा है कि जो राष्ट्र सबको स्वतंत्रता देता है, सबको न्याय देता है, सबको समानता देता है, सबको ये बंधुता प्रेम करता है और एक अखंड भारत की बात करता है, ये संविधान तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? तो इसलिए ये देश बिल्कुल हर एक पूरे तरीके से इसी रास्ते पर, अभी 6 महीने बाद यहाँ स्थिति आ जाए, चाहे वो 1 साल बाद आ जाए, लेकिन स्थिति आनी है श्रीलंका जैसी। भारत का भी जो फॉरेन रिजर्व है वो भी कम होता जा रहा लगा, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल हो रहा है। वो तो सबसे पहली बात देखो, आप सब चीज छोड़ दो, वो डॉलर से ही लगा लो, जो डॉलर 69 रुपए था वो डॉलर एकदम से 80 के ऊपर पहुंच गया, उसकी वैल्यू पहुंच गई और हमारा रुपया 80 रुपए, हम एक डॉलर के 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। 100 तक, हाँ जी, कहा जा रहा 100 तक पहुंचेगा डॉलर, सर कहीं तक भी पहुंचे, लेकिन इस देश का जितना ये डॉलर गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा, रुपया गिरेगा, उतना ही हमारा विदेशी भंडार खत्म होगा। दूसरी तरफ विदेशी भंडार कहाँ से आता है? एक तो वहाँ से आता है, विदेशी कंपनियों से आता है, वो आ नहीं रही है, विदेशी आपको फंड नहीं आ रहा है। दूसरा टूरिज्म से आता है, टूरिज्म में पैसा, टूरिज्म टूरिस्ट है नहीं, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, व्यापार नहीं हो रहा है, तो आपके पैसा आएगा कहाँ से, विदेशी करेंसी कहाँ से आएगी? तो इसलिए विदेशी करेंसी के लिए जो सरकार को स्टेप उठाने चाहिए थे, वो स्टेप इन्होंने उठाए नहीं है। उन स्टेपों को उठाए बिना ये कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र लाएंगे, ये इस देश में व्यवस्था फैला रहे हैं, इस देश के संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस देश के उन प्रतीकों से छेड़छाड़ कर रहे हैं जो इस देश की शांति, पूरी दुनिया में जो शांति का प्रतीक, अहिंसा का प्रतीक भारत, उसको ये ख़त्म करके ये इस तरह से ये इसको देश को बर्बाद करने के चक्कर में उनकी सोची समझी साजिश है। इनको पता है कि जो मैदान में आएंगे फौज इनके पास है, पुलिस अर्धसैनिक बल इनके पास है, श्रीलंका तो थोड़ा कमजोर लग रहा था इनको, लेकिन इनको पता नहीं कि अगर श्रीलंका में इनको ये नहीं, ये सोच रहे हैं हमारे पास 7 लाख फौज है, हमारे पास इतने अर्धसैनिक बल हैं, और इनको सबसे पहली बात इनको लग रहा है कि श्रीलंका से विपरीत इनके पास आरएसएस का कैडर, इन्होंने कहा था ना एक बारी कि हमारे आरएसएस वाले बॉर्डर पे जा करके पाकिस्तान को 3 मिनट में उड़ा देंगे। इनको गलत फहमी हो रही है कि वो आरएसएस वाले जा करके यहाँ के लोगों को, जनता को, ये उनको ठीक करेंगे और फौज के साथ रहेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आवाम, दुनिया की आवाम गवाह है कि जो जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े जो राजशाही को उखाड़ फेंका है, वो गरीब जनता ने, जिनके पेट में रोटी नहीं थी, शरीर पे कपड़ा नहीं था, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उस आवाम ने जब वो भूखे हुए और जब उनको समझ आई, उन्होंने उखाड़ फेंके, चाहे रशियन क्रांति हो, जर्मन क्रांति हो, चाहे दुनिया की कोई क्रांति हो, और भारत में भी बड़े बड़े राजशाहियों को उखाड़ के फेंका। श्रीलंका की भी क्रांति कह रहे हैं कि जनता की क्रांति है ये भी, नहीं देखिए जनता की क्रांति नहीं है, ये एक अचानक आए हुई आपदा है, और इसमें कोई तीसरी जो देखिए इसमें लीडिंग रोल में कोई कोई पॉलिटिक नहीं है, नेताओं को नेता गर्त में ले जा नहीं, नहीं, देखिए नेताओं की कमी नहीं मान रहा, देखिए नहीं 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 राजनीति हो रही थी, नहीं नहीं नेता छोड़कर भाग गए, मैं अचानक मतलब ये कह रहा हूँ कि जो पिछले 4-5 साल से वहाँ पे जो नीतियाँ सरकार अपना रही थी, पिछले 10 साल से सर, हाँ 10 साल मान लो जो, लेकिन उसमें कोई भी नेतृत्वकारी नहीं दिख रहा था विपक्ष में, और आज भी जनता स्वयंभू तरीके से मैदान में है, उनका नेतृत्वकारी नहीं है। अगर वहाँ पर कोई विचारधारा, कोई अगर नेतृत्व कर रही होती तो तब लगता कि वहाँ पर कोई क्रांति हुई है, वहाँ जनता की स्वयंभू क्रांति है, वहाँ जनता खुद नेतृत्व में लीड में है और उनका कोई नेतृत्व नहीं है। जैसे कि मान लो कोई विचारधारा अगर नेतृत्व करती, कोई पार्टी लीडरशिप कोई अगर नेतृत्व करता है मैदान में होता, तो तब वो क्रांति मानी जाती है, क्रांति नहीं है, ये जनता की क्रांति है। लेकिन दोबारा से घूम के उसी टाइप के नेताओं के हाथ में, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे लेकिन उसी टाइप के नेताओं के हाथ में चला गया। श्रीलंका की जनता ना पक्ष ना विपक्ष किसी नेता को नहीं छोड़ रही है वो, नहीं नहीं वो ठीक बात है, लेकिन वहाँ तीसरी विचारधारा नहीं है ना सर। मैं कहता हूँ कि क्रांति के लिए या तो लेफ्ट या राइट कोई चाहिए, कोई नेतृत्व में कहाँ है, कोई वहाँ जनता है, फिर भी ये मक्कार लीडर इन्हीं के तरीके से, वो क्या नहीं कहेंगे, वो ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि भाई हमें सिंगली राष्ट्र बनाना है, वो ज़्यादा ये, लेकिन बाद में 2-4-5 साल बाद जब स्थिति सुधरेगी तो फिर आपको वही देखने को मिलेगा, क्योंकि नई विचारधारा नहीं है,
पक्ष और विपक्षों दोनों एक ही उस पर काम कर रहे थे। तो श्रीलंका की परिस्थितियों को समझना बहुत ही एक अलग तरह की बात है कि वहाँ पर कोई नेतृत्व नहीं है। क्रांति तब होती है कि जब वहाँ पर कोई विचारधारा खड़ी हो, सामने डट के खड़ी हो, तब और वो कहे कि हमने क्रांति करवाई है। कोई वहाँ पर दावा ही नहीं कर रहा जनता के अलावा, कोई पार्टी विपक्ष कोई आके कोई नई तीसरी शक्ति नहीं कर रही। क्रांति है ना सर, लेकिन वहाँ वो नेतृत्वहीन है, नेतृत्वहीन क्रांति है, नेतृत्वकारी नहीं है, विचारधारा नहीं है उसमें। भूखी जनता है ना सर, भूखी जनता है जो स्वयं भू अपने आप परेशान होके अपने आप खड़ी है। ना पक्ष है, ना विपक्ष है, ना कोई तीसरी विचारधारा है, वहाँ पे नेतृत्व है नहीं, नेतृत्वहीन जनता लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि भारत की स्थिति नहीं होगी, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है तो अभी इतना कर्जा हमारे पास क्यों जा रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था है तो जनता तक वो पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है, जनता उसमें भागीदारी क्यों नहीं बन रही है, और इतनी महंगाई क्यों रही है। सबसे बड़ी बात ये, अभी तक के पिछले आज़ादी के बाद से जितनी बड़ी महंगाई की महंगाई दर आज की तारीख में देश में, बेरोजगारी दर आज की क्यों है। अर्थव्यवस्था बड़े होने से, अर्थव्यवस्था गिरने से कोई सेकंड लगते हैं, क्योंकि ये श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था थी इससे पिछले टर्म में 2 साल पहले दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्थाओं में आ गई थी। पता ही आपको जो इससे 2 साल पहले जो टूरिज्म से 4,000 कुछ अरब डॉलर का उन्होंने, विदेशी अरब डॉलर का उन्होंने धंधा किया था, तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक मानी जा रही थी। ये 2 साल पहले की बात है, वो लुढ़क गई ना, क्योंकि आज अर्थव्यवस्था, आज आप उसको ये नहीं कह सकते कि आज की आज जो मौजूदा परिस्थिति है वो कल भी रहेगी, 24 घंटे बाद भी रहेगी, क्योंकि ये दुनिया आपस में जो जुड़ी है, तो ये शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है, आज आप सबसे बड़ी है, कल नीचे आ सकते हैं। ये कारण तो ही, मेरे का आखिरी सवाल, जो चाइना ने पोर्ट बनाया है वो सबसे बड़ा कारण है श्रीलंका को लेकर डूबने का। नहीं सर, ये तो सिर्फ कहने की बात है कि चाइना ने, वो सब नीतियों का हिस्सा है। अगर चाइना ने पोर्ट वहाँ पर बनाया है तो व्यापार के लिए आदान प्रदान के लिए ज्यादा, सबसे ज्यादा उसी, क्योंकि वो पोर्ट फेल हो गया ना सर वो पोर्ट नहीं हुआ। नहीं, एक पोर्ट से कैसे डूब जाएंगे, ये नीतियाँ तो पुरानी चलती आती है ना। आप अपनी एग्रीकल्चर को बर्बाद करोगे, आप अपने टूरिज्म को बर्बाद करोगे, आप अपने देश में जो एक भाईचारा उसको ख़त्म करके आप सिंगली राष्ट्र बनाओगे, आप बुद्धिस्टों को मुसलमानों से, मुस्लिमों को क्रिश्चनों को दूसरों से लड़वाओगे, अर्थव्यवस्था फैलाओगे, तो विदेशी कैसे आएंगे, दुनिया कैसे अर्थव्यवस्था कैसे बचेगी। तो इसलिए देखिए, और दूसरा आज मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कोई किसी की भी स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं है आज के दौर में। जो ग्लोबलाइजेशन आज पूरी दुनिया वर्ल्ड से जुड़ा है, कब अमेरिका जीरो हो जाए और कब श्रीलंका हीरो हो जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सब शेयर बाजार सट्टा मार्केट में जुटी हुई। सर, रोड पुल और मेट्रो पर 18% GST लग गया है। हाँ तो लगेगा ना, अब उस पे तो छोड़ो ना, उसको तो छोड़ो, अभी जो खुला आटा, खुला आपके वो मसाले, खुली जितनी चीज़ें जो गरीब खरीदता था रोज दिहाड़ी करके, 20-30 रुपए के थोड़े से एक पाव 100 ग्राम अपना चीनी चावल कुछ लेकर के बना लेता था, अब उसके ऊपर इन्होंने GST लगा दी है। तो अभी खाली रोड पर नहीं है, अभी तो ये बहुत सारी चीज़ों पे GST लगाने वाले हैं। और देखो एक और बड़ी बात है कि जो GST भी जो एक कारण है, ये भी कारण पूरी दुनिया में अपने अपने कंट्रियों में उनकी अर्थव्यवस्था गिरने का कारण हो रही है। और भारत के संविधान में जो हमारा जो टैक्स सिस्टम दिया हुआ है, कभी संविधान देखा है, जो हमारा संविधान का जो टैक्स सिस्टम दिया हुआ है वो एक यूनिक स्पेशल एक टैक्स सिस्टम था, जिससे कि हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। तो वो अभी ये GST लाएं फौरन उस पर अमेरिकन कल्चर पे, है ना, अभी जब हर बात पे अमेरिका को ले आते हैं। अमेरिका की जनता और हमारे देश की जनता में जमीन आसमान का फर्क ही नहीं है। आज वो जनता 100% लिटरेट पढ़े लिखे हैं, और वहाँ पे 100% जनता वो कई अपने काम पे, सब रोजगार पे, दूसरी चीज़ों पे बिल्कुल डिपेंड है। वहाँ से आप कैसे कंपेयर करोगे हमें हर चीज़ में, आप उसकी GST को यहाँ कैसे लगा सकते हो, कैसे लागू कर सकते हो, वो तो विकसित देश हैं उनसे आप। और दूसरा अमेरिका, देखो अमेरिका और आप में फ़र्क है, अमेरिका दूसरे देशों को शिकार करके अपने नागरिकों के लिए पैसा कमा के लाता है, अपने हथियार बेच करके, वहाँ पर अपने पूंजीपतियों को भेज करके वहाँ से पैसा कमाना, और तुम तो दूसरों के शिकार हो, तुम अपनी जनता को लुटवा रहे हो। तो इसलिए अमेरिका और तुम में फ़र्क है, अमेरिका का नाम मत लो भाई, तुम तो अपनी जनता को लुटवाने वाले लोग हो, और अमेरिका अपनी जनता के लिए लूट के लाता है बाहर से। धन्यवाद।
भी हमारे साथ थे अशोक अज्ञानी जी, लगातार जो है अभी जो राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने का, जो अशोक स्तंभ को बदलने का जो अभी कारनामा कर दिया गया है, उस पर ही हमने उनसे चर्चा की। जिस तरीके से श्रीलंका के हालात हैं, जिस तरीके से श्रीलंका में जो जनता देशों पूरी रोडों पर उतर गई और फिर वहाँ के राष्ट्रपति को चोरी छुपे मुंह छुपाकर भागना पड़ा, उसी सब पर हमने सवाल किया, क्या सब सवाल थे और क्या सब, जिस तरीके से अब हमारे भारत में भी GST लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे रोड हो, सड़क हो, चाहे मेट्रो हो, उस पर 18% GST बढ़ चुका है। वहीं आटा, दाल, चावल, दही जैसे और पनीर जैसी चीज़ों पर भी 5% GST लग चुका है। उसी सब पर हमने जाना और बात की, जो है डॉलर को मात देता हुआ रुपया भी जो है भाग रहा है और 80 पार कर चुका है। वही जो नारा लगाते थे 80 पार, तो वो 80 पार हो चुका है लगातार, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग करते करते और देश और जनता अब सड़कों पर आने लगी है। रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, लगातार महंगाई चरम पर है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत के हालात क्या होने वाले हैं। उसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली, जंतर मंतर।